Hello students, how are you? Welcome to computer lesson number 3. So बच्चों, last time हमने बात किया था Microsoft Word में कैसे काम करना है, कैसे अपना एक नया फाइल बनाना है, उसको सेव करना है और फिर उसको रीओपन करके देखना है. आज हम स्टार्ट करेंगे सेव एज टॉपिक से. सेव एज का मतलब क्या होता है? पिछली बार आपने सीखा था कि कंट्रोल प्लस एस करने से आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है. सेव एज का यूज आप तब करते हैं जब आपको अपनी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो, ओके? या फिर आपको उसे किसी दूसरे तरीके के डॉक्यूमेंट में सेव करना हो. जैसे कि पिछली बार मैंने आपको बताया था, जब आप सेव एज करते हैं तो आपको फाइल नेम यहाँ डालना होता है. उसी के नीचे एक ऑप्शन होता है सेव एज टाइप. यहाँ आपको दिखाई देगा हमेशा वर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ही सेव होगा. लेकिन सेव एज ऑप्शन को क्लिक करके आप यहाँ इस आरो को क्लिक करेंगे तो आपको और बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएगा जिनमें आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं. इन सब की जरूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी, वो आपको बाद में इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी जब आपको अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट में या डिफरेंट तरह के फॉर्मेट में सेव करके कहीं देना हो, तब आपके काम आएगा. बट इट्स फॉर योर नॉलेज कि आपको पता होना चाहिए, ओके? तो सेव एज को इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप उसको करें. और सेव एज का आप यूज फिलहाल सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि जैसे आपने अपना कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया है और उसके बाद आपने उसमें चेंजेस किए हैं, तो आप ये चाहते हो कि हमारे पास हमारा पुराना फाइल भी रहे और जो चेंजेस वाला है वो अलग से रहे, मतलब उसका एक कॉपी रहे, तो आप उसको दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं सेव एज ऑप्शन में. उससे आपकी जो ओरिजिनल फाइल थी वो भी रहेगी और उसी की एक नई कॉपी जिसमें आपने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड किया है वो भी आपके पास रहेगी, वो दोनों रहेंगी, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यू मेन्यू की. इसमें जब आप देखेंगे, आप एमएस वर्ड में एक व्यू टैब होता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो व्यू में हम अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे प्रिंट लेआउट. प्रिंट लेआउट में जब आपको जाना होता है तो आप क्या करते हैं, आपको फाइल टैब पर क्लिक करना होता है और उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करना होता है, जो प्रिंट ऑप्शन है. तो जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अगर आपका कंप्यूटर प्रिंटर के साथ कनेक्टेड होता है तो आपको परफेक्ट वे में ये सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं. सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू बोलते हैं इसे, दिखाई देता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कैसा दिखाई देगा प्रिंटिंग के लिए, प्रिंट होने के बाद भी ऐसा दिखेगा. ये प्रिंट का ऑप्शन है. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका पेज प्रिंट होने लगेगा प्रिंटर से, अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो. प्रिंट के लिए कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. ये आपका प्रिंटर का नाम दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये प्रिंटर का नाम है और ये रेडी है, मतलब कि प्रिंटिंग के लिए रेडी है. अगर आपके पास और प्रिंटर्स हैं या आप इसको कहीं और भी कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ दूसरे प्रिंटर के नाम भी दिखाई देंगे. उसके बाद कितने प्रिंट पेज करने हैं उसके लिए एक ऑप्शन होता है प्रिंट ऑल पेजेस. अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी पेजेस हैं वो सब एक साथ प्रिंट होते जाएंगे. अगर आपको सिर्फ कोई एक या दो पेज प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ इस डायलॉग बॉक्स में उस पेज का नंबर डालेंगे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, कॉमा डाल के आप उसको लिखेंगे तो आपका सिर्फ वो ही पेज नंबर प्रिंट होगा, ओके? द नेक्स्ट इज द प्रिंट प्रीव्यू इज शोन इन द राइट पेन ऑफ द विंडो. ये प्रिंट प्रीव्यू राइट साइड में शो हो रहा है, ये प्रिंट बटन है, ओके? अब आपका जो पेज होता है प्रिंटिंग के लिए, जो पेज होता है वो दो तरीके का होता है. एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप. तो पोर्ट्रेट ऐसा ऑप्शन होता है, इसको आप वर्टिकल कह सकते हैं, और
दूसरा होता है लैंडस्केप, जो कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कहेंगे तो वो दिखाई देता है। तो आपको अपना प्रिंट जिस तरीके से निकालना है वो ही ऑप्शन आप सिलेक्ट करके प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेआउट के बाद नेक्स्ट आता है फुल स्क्रीन रीडिंग। ओके, व्यू अ डॉक्यूमेंट इन फुल स्क्रीन मोड वी नीड टू फॉलो द गिवन बिलो स्टेप्स। हम व्यू टैब में जाते हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट हमें पूरे फुल स्क्रीन पर थोड़ा बिगर साइज में नजर आता है। ओके, थर्ड आपका वेब लेआउट है। द वेब लेआउट व्यू इज यूज्ड टू कंसेप्चुअलाइज हाउ आर डॉक्यूमेंट अपीयर्स व्हेन इट इज पब्लिश्ड टू द वेब। दिस व्यू प्रोवाइड्स ओनली अप्रोक्सीमेशन एंड नॉट एन एग्जैक्ट मैच। सो वेब लेआउट सिलेक्ट करने से आपको ये दिखाई देता है कि अगर आप अपने पेज को वेब यानी कि इंटरनेट पर किसी जगह डालते हैं, जैसे कि किसी ब्लॉग में, ये सब चीजें अभी आप लोग यूज नहीं करेंगे बट इंटरनेट रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन से कंसर्न है ये। अगर उस पे आप डालते हैं तो आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट दिखेगा उसका लेआउट यहाँ पर होता है। जूमिंग ऑप्शन हम सीख चुके हैं, ये जूम बटन है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हम उसे जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये जूम का ऑप्शन बॉक्स है, यहाँ जब आप जूम पर क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग परसेंटेज कुछ स्पेसिफिक नंबर्स दिखाई देते हैं, जैसे 200%, 100% नॉर्मली रहता है, 75%, और इनकी पेज की वेट, टेक्स्ट की वेट, ये सब आप चेक कर सकते हैं। और ये आपको जूम होने के बाद में दिखाई दे रहा है। ओके, अब ये जो ऊपर आपको इमेज दिखी थी इसमें यही बताया गया है कि अगर आप जूम इन की तरफ ज्यादा जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा, जूम आउट की तरफ ज्यादा जाएंगे तो साइज कम होता जाएगा। और अभी यहाँ आप देख सकते हैं 140% लिखा हुआ है, यानी कि नॉर्मल 100% जो हमारा दिखाई देता है उससे 40% बिगर है ये। ओके, अब थोड़ा सा रूलर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो रूलर है इसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को सेट करने के लिए। ओके, टेक्स्ट हैं या ग्राफ्स हैं या और कुछ भी आप लोग उसमें बनाते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब अगर ये ऑप्शन आपका वैसे तो बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है वर्ड में, अगर नहीं दिखाई देता तब आप फाइल टैब में जाकर वर्ड्स ऑप्शन पर क्लिक करके, एडवांस्ड ऑप्शन पर क्लिक करके, डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेट वर्टिकल रूलर इन द प्रिंट लेआउट पेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका रूलर एक्टिवेट हो जाएगा। आपको मैं फिर से एक बार ये चीज बताना चाहती हूँ कि इनमें से जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उन्हें आप नोट करके रख सकते हैं और आप जब अपने टीचर से मिलेंगे तब आप स्पेसिफिकली उनसे ये सब चीजें पूछ सकते हैं ताकि जब वो आपको खुद करके दिखाएंगे आपके सामने तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से और समझ आ जाएगा। तो जितनी चीजें आपको समझ आ रही हैं आप आराम से उसको करिए, जो चीजें समझ नहीं आ रही हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम बाद में कर लेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स हैं, ये आप जरूर ट्राई कर सकते हैं अपने आप से। कंट्रोल प्लस ओ क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाती है। फाइल ओपन करने के लिए
ऑल्ट प्लस एफ, ऑल्ट एफ दबाते हैं तो आपका फाइल टैब ओपन हो जाता है, उसमें जब आप कंट्रोल प्लस ओ करते हैं तो आपकी फाइल ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से ये जितने भी शॉर्टकट्स आपको दिए हैं ये सब आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि इनको जब आप बार बार करके देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और इनको याद रखने से हमारा काम थोड़ा और जल्दी होता है और हमारा टाइम सेव होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।